खुश आमदीद हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर टू हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी पेज नंबर ट्वेंटी आपका टॉपिक मौजूद है हेरिडिटी यानी कि मोरूसियत उर्दू में कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग हेरिडिटी क्रोमोजो डी एन एंड जीन्स फ्राम फ्राम द बेसिस ऑफ हेरिडिटी जीन्स कैरी द ट्रेड और करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग दिस इज द रीज़न दैट स्विमलिंग रिजेंबल वन एन अदर एंड देयर पेरेंट्स ग्रो ग्रॉन फ्रॉम द सी रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट आई कलर हेयर कलर डिटेच और अटैच एयर लोप इंटेलिजेंस एंड हाइट आर एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी जो है वालदे से जितने भी आदतें जो बच्चों में मुंतकिल होती हैं उसको मौरूसियत हेरिडिटी कहते हैं क्रोमोजोम डी एन ए जीन की वजह से यह सब होता है और जितनी भी आदतें और करेक्टरिस्टिक जो हैं बच्चों में मुंतकिल होते हैं वो जीन लेके जाता है जो कि डीएनए पे मौजूद है और डीएनए क्रोमोसोम पे मौजूद है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस ऑफ द सेल में मौजूद है अब इसी वजह से जो बहन भाई हैं वो आपस में मिलते हैं या अपने वालदेन के साथ मिलते हैं सिमलिंग बहन भाई कहते हैं बहन भाई आपस में मिलते हैं और अपने वालदेन के साथ मिलते हैं इसी तरह जो जिस प्लांट का बीज आप लगाते हैं जब उसमें से पौधा निकलता है तो वो वो उसी प्लांट जैसा होता है अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही होता है आम का बीज लगाएंगे तो आम का ही पौधा निकलेगा इसी तरह आँखों का रंग बालों का रंग ये एयर लूप ये कानों जहाँ पे ये बालियाँ आप लोग डालते हैं यहाँ पे ये जो लूप है एयर लूप ये अलग होना या फेस के साथ जुड़ा हुआ हो या जहानत या कद ये सब चीज़ें जो हैं ये हेरिडिटी करेक्ट्रिस्टिक हैं ये एग्जाम्पल है हेरिडिटी की ठीक है ये आंखों का रंग ये सब वाले से मुंतकिल होता है बच्चों में अब देखेंगे कि कौन से जो चीज़ें हैं वो बच्चों में मुंतकिल होती हैं आगे ऑफस्प्रिंग में और कौन सी नहीं होती तो इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल द करेक्टर्स विच कैन पास फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर इनहेरिटेबल करेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल आई कलर हाइट अटैच डी टैच्ड एयर लुक ईयर लुप इंटेलिजेंस वाइल दोज करेक्टर्स विच आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन आर नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ पर्सन इज लॉस्ड और वी कैन ड्यू टू डिजीज दिस करेक्टर इज नॉट ट्रांसफर टू ऑफरिंग ओके कुछ जो खसूसियात हैं वो एक जनरेशन से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आती हैं जिसमें आपके पास आंखों का रंग है कद है अटैच डिटैच्ड एयर लूप कानों का ये जो जहाँ पे एयर रिंग्स वगैरह डालते हैं ये हिस्सा या तो बाद लोगों का जुड़ा हुआ होता है या नहीं जुड़ा होता ये भी एक करेक्टर है जो मुंतकिल होता है पेरेंट्स से इसी तरह जो नहीं आ, और जहानत ये भी एक करेक्टर है जो पेरेंट्स से मुंतकिल होता है दूसरी जो नहीं होती चीज़ें मुंतकिल उनमें आपके पास है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए या उसका कोई उसको कोई बीमारी लग जाए या उसका कोई ऑर्गन जो है डैमेज हो जाए हाथ कट जाए या कोई ऑर्गन कुछ और कुछ भी हो जाए तो वो उसके बच्चों में मुंतकिल नहीं होगा ऐसा नहीं कि उसकी औलाद हो तो उसका भी हाथ कटा हुआ ऐसा नहीं होगा ठीक है तो कुछ जो करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं उनको इनहेरिटेबल कहते हैं और जो नहीं होते उनको नॉन इनहेरिटेबल कहते हैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है आ, आई कलर इनहेरिटेबल करेक्टर्स की तो आई कलर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ जीन, द जीन कलर कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द इरिस ऑफ द आई इफ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आई आर ब्लैक प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आई ब्लू ग्रीन एंड हेज़ल आई कलर आर डिवेल्प ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट आई कलर जो है जी uh, ये भी कंट्रोल करता है जीन कंट्रोल करता है ठीक है पेयर होता है जोड़ी होती है जीन की जिसकी वजह से अगर वो काम कर रहा है जीन, तो ज्यादा पिगमेंट बना रहा है, कलर पिगमेंट बना रहा है बॉडी में तो आई का रंग का ब्लैक होगा यानी कि डार्क होगा क्योंकि पिगमेंट ज्यादा बन रहा है और अगर वो थोड़ा पिगमेंट बनाते हैं तो आंख का रंग हल्का ब्राउन होता है इसी तरह हेज़ल कलर और ये जो है ब्लू नीला और ये मिक्स जो ये क्रिस्टल हेजल जो बंटे की तरह कंचे की तरह का कलर होता है ये जो है इस कलर कलर की आंखें ये डिपेंड करते हैं कि जीन कितनी मकदार में जो है वो पिगमेंट या रंग बना रहा है ठीक है ये आपकी इर्स ये वो जो कलरफुल हिस्सा है ना आपकी आंख का ब्लैक या जो होता है उस एरिए को कहते हैं ठीक है थीके? तो ये भी आपका मुंतकिल होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका फोर ये आपने इसका आंसर लिखना है ये मैंने निशान लगाए लगाएंगे इसी तरह डिटैच और अटैच एयर लुक ये देखे सामने आपका तो यहाँ पे ये हिस्सा ठीक है सम पीपल हैव एयर लुक अटैच विद द साइड ऑफ फेस वाइल फ्री एयर लुप दिस हैपन ड्यू टू जीन्स वेन द जीन्स कैरी द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेच एयर लूप द पर्सन विल नॉट है लूप अटैच टू द साइड ऑफ फेस सम पीपल हु हैवरेसिव जीन्स फॉर दिसर एयर लूप आर अटैच विद साइड ऑफ द फेस ओके अच्छा ये भी जो है जीन्स की वजह से होता है कुछ जीन है जो कि ये कान के हिस्से को ये जो लटक रहा है जहाँ पे इयर रिंग्स डालते हैं इसको जोड़ के रखता है फेस के साथ अगर तो ये सही काम कर रहा हो जीन तो फिर ये आपके नहीं अलग नहीं होता कान का ये हिस्सा जुड़ा हुआ होता है फेस के साथ जैसे ये आ, ये देखें आ, ये अटैच हुआ हुआ है लेकिन अगर ये जीन जो है वो छुप जाए तो फिर आपका जो एयर लूप है ना वो आ, जो है सम पीपल हु है सब जीन देर देयर एयर लूप आर अटैच विद द साइड्स ऑफ फेस अच्छा सॉरी ये ये अटैच हुआ, हुआ हुआ होगा अगर वो जीन सही काम कर रहा है तो ये अटैच नहीं हुआ होगा और अगर वो जीन सही काम नहीं कर रहा ये अटैच और डी अटैच एयर लूप वाला जीन तो फिर आपका जो जो है कान वो अटैच हुआ होगा फेस के साथ ठीक है तो अगर वो जीन छुप जाए तो आपका कान अटैच हुआ होगा और अगर जीन वो काम कर रहा हो ज़ाहिर हुआ हो तो वो आपके कान जो बना है वो डी अटैच होगा यानी कि थोड़ा सा अलग हुआ होगा फेस के साथ तो ये आपका बी करेक्टर जो है वो पेरेंट्स से वाले बच्चों में मुंतकिल होता है ओके असाइनमेंट है जी आपका असाइनमेंट में आप देखेंगे कि कैसे अमाउंट जो है पिगमेंट अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो है वो अफेक्ट करता है आंखों के रंग को तो ये आपने पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे मैंने आपको आई कलर का टॉपिक आपने लिख लेना है आपने हेरिडिटी जो है एक्सप्लेन करनी तो ये आपका ट्वेंटी टू पर मैंने आपको निशान लगवाए हुए वीडियो आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगा तो ये आपने शॉर्ट दोनों क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज पे लिख लेने आज के लिए इतना ही अपने टीचर को याद थैंक यू